गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इल्यूजन में। कल हमने वीडियो देखा और पढ़ा औसत के बारे में। कल 5 ही सवाल हो पाए थे और आज अगला 5 सवाल यानी 6, 7, 8 और 9, 10 लेकर मैं आया हूं। अगर हो सके तो मैं ज्यादा भी बता दूंगा। वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाने की वजह से मैं कम सवाल लेता हूँ, पर हाँ जितने भी सवाल कल मैंने पढ़े थे आज के सवाल उनसे बिल्कुल ही अलग है, लेकिन है औसत चैप्टर के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए आपका ये 5 सवाल है, आपको दिखाई दे रहा होगा पांचों सवाल। आप देखें पांचों सवाल को, फिर मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। तो आपने देखा, चलिए आज हम बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक सवालों को हल करते हैं। तो पहला सवाल है, 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 40। अब देख लीजिए, 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 40। यह हम नहीं कह सकते कितना कितना करके है, लेकिन औसत जब भी दिया हुआ रहता है तो हम चारों को 40-40 मान सकते हैं। यही तो औसत है ना, कि एक एवरेज मान लिया गया है कि 4 संख्याएं जो है 40-40 करके हैं। कोई 36 भी हो सकता है, कोई 45 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखते हैं। अब ये तो एक सवाल है यहाँ पर कि 4 संख्याओं का औसत है 40। फिर कहता है यदि पहली 3 संख्या, आप देख रहे हैं टोटल कितना है 4, और 4 में से 3 संख्या का योग, देखिए पहली 3 संख्याओं का योग 75 है। अब आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि क्या जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो एक जैसा करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम एक्स है किसी चीज़ में तो उसको एक्स के साथ ही जोड़ा लगाने का प्रयास करते हैं, गुना भाग जोड़ जो भी करना है तो एक्स के साथ ही करेंगे। लेकिन जरा इस सवाल को देखिए तो क्या है, इस सवाल में कह रहा है यहाँ औसत है और यहाँ पर योग है, तो क्या दोनों एक जैसे हुए? देखिए नहीं हुए। तो आप चाहे इसको औसत में बदल दीजिए, चाहे औसत को योग में बदल दीजिए, तभी एक जैसा होगा। मान लेते हैं कि अगर आपको कहा जाए 2 मीटर को 500 सेंटीमीटर से भाग दीजिए, तो आप डायरेक्ट इसे नहीं कर सकते हैं। या तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो यही प्रक्रिया हम यहाँ पर देखेंगे कि चलिए आप अगर क्वेश्चन को देख लिए हो तो अब मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा। तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो 4 संख्याओं का औसत है 40। तो मान लेते हैं ये एक संख्या है, फिर ये एक संख्या है x1, x2, x3 और x4। ये 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 40। तो ये थोड़ा अजीब हो जाता है, इसे हम किताबी भाषा में ना समझ करके सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो अभी मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ वो बना कैसे। तो आप देखिए कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसी से ये सारा बनता है। तो हमने कल बताया था कि औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग या परिमाणों का योग या आंकड़ों का योग, संख्या बराबर औसत बराबर संख्याओं का योग, इसे हम राशियों का भी योग कह सकते हैं। तो कल मैंने राशियों का योग ही शब्द का इस्तेमाल किया था, राशियों का संख्याओं का या संख्याओं का योग, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, राशियों का योग भी कर सकते हैं। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही फॉर्मूला है और सारे सवाल हम इसी से बनाने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, औसत दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, औसत लिखेंगे। देखिए औसत है कि नहीं 40, बिल्कुल है। योग दिया हुआ है क्या, नहीं। तो राशियों का योग
बटे संख्या, संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है, चार है, तो कितने हैं, चार। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जब बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो राशियों का योग कितना निकला, तो 4 × 40 यानी 160। ये हम समझ रहे थे, लेकिन हम इस तरह नहीं बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे हमारे पास इतना समय नहीं मिलता है, हमें लगभग 36 सेकंड मिलते हैं एक मैथ बनाने के लिए, तो हम इतना समय का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक चीज़ समझ गए कि जब भी योग निकालने की बात की जाती है तो हम इसको गुना करते हैं, औसत को राशियों की संख्या से गुना करते हैं। फिर से देखिए, जब औसत दिया हुआ रहे और योग नहीं दिया हुआ है, राशियों की संख्या भी दिया हुआ है, कोई दो चीज़ तो देना ही होगा, नहीं तो कैसे गुना करेंगे। अब देखिए आपको कह रहा है कि राशियों का योग है, देखिए यहाँ हम, अब सवाल ये उठता है हम योग ही क्यों निकालेंगे, है ना, ये भी सवाल है कि हम योग ही क्यों निकालेंगे। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि हमको तुलना करना है तो बराबर वाले में तुलना किया जाता है, यहाँ योग है वहाँ पर भी योग होना चाहिए, तभी तो तुलना करेंगे ना। तो यहाँ से आप क्या सीखें, यहाँ से हम सीखें कि जब भी हमको योग निकालना होता है हम औसत को उनकी संख्या से गुना कर देते हैं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि चार संख्याएं 40 के औसत से है तो हम मान के चलेंगे चारों कितना है, 40 40 है, चारों कितना है, 40 40 है, तभी तो 160 होगा। देखिए औसत कितना है, चार संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, यानी 40ों चारों को हम मान लिए कि ये 40 40 है, तो कितने हो गए 40 40 करके, तो हो गया 160। अब आप जानते हैं कि किसी संख्या को बार बार जोड़िए या उसको गुना कीजिए, जो संख्या बार बार आ रही है उसको एक बार लेना है और उसकी संख्या से गुना कर देना है, तो यह जो होगा वो गुणनफल कहलाता है। चलिए हम क्या कह रहे हैं आप देखिए, यानी 40 जो आ रहा है वो बार बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये तो केजी का है, वन का सवाल है ये, कि बार बार जोड़ने के क्रम को गुना कहते हैं, गुना किसे कहते हैं, बार बार जोड़ने के क्रम को गुना कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो बार बार 40 ना जोड़ करके, क्योंकि जोड़ने से थोड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो बार बार ना जोड़ करके हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 चार से गुना कर रहे हैं, तो देखिए आपका 160 आया कि नहीं। यदि आप जोड़ करके भी देखना चाहेंगे फिर भी आएगा उतना ही, और गुना भी करेंगे तो फिर भी उतना ही आता है, तो हम ये भी इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, हम अब सवाल को मिटाएंगे और उस पर देखेंगे कि हम कितने सेकेंड में से आपके सामने बना सकते हैं। तो 6 नंबर के सवाल को हम कोशिश करेंगे कि जितना से जितना यानी सेकेंडों में बन सके। तो आपको क्या कहा गया है, चार संख्याओं का औसत है 40, तो आप समझ गए क्या करना है, योग निकालने के लिए गुना करना पड़ता है, तो योग बराबर हो गया 4 × 40, ये भी कर सकते हैं या 40 × 4 भी कर सकते हैं, तो कितना हो गया 160। अब देखिए ये क्या है, ये योग है ना, तो हम यहाँ अब इसको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस में जाते हैं, तो ताकि आपको याद रहे, यहाँ पर है संख्याओं का योग बराबर, संख्याओं का योग बराबर चलिए आपको पहले भाषा में समझाते हैं, राशियों का योग बराबर औसत गुना संख्या, ये एक फॉर्मूला हो गया, और ये भी किस फॉर्मूला से आया है, वो पहले वाले फॉर्मूला से, तो आप देख लिए, तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो सेकेंड में बनाना है। अब हम इसे क्या करते हैं, आप अगर देख लिए तो अब इसको हम मिटाते हैं क्योंकि ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा। तो अब हमको क्या निकालना है, योग, तो योग कैसे निकालेंगे, जो औसत दिया हुआ है उसकी संख्या से गुना कर दिए तो हमारा आ गया संख्या यानी योग आ गया। तो अब हम देखेंगे, फिर कहता है कि दूसरा यह कहता है कि जो पहली तीन संख्या है यानी x1 x2 और x3 जो पहली तीन संख्या है उसका योग, ना कि औसत, उसका योग दिया हुआ कितना दिया हुआ, योग दिया हुआ है 75। अब देखें, अब हम क्या करेंगे,
क्योंकि पहले तो चार संख्या है और फिर हम उसमें कितने संख्या को घटा रहे हैं, उसमें हम घटा रहे हैं तीन संख्या को, तो चौथी संख्या हमारा निकलेगा। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 85, तो यही हमारा हो गया चौथी संख्या। चौथी संख्या, तो जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपको आसान लगने लगेगा। तो फिर से देखते हैं कि कहा था चार संख्याओं का औसत है 160, चार संख्याओं का औसत कितना है 160 है, और उनमें से तीन संख्याओं का योग जो दिया हुआ है वो 75 दिया हुआ है। तो तीन संख्याओं का योग, अब देखिए ये भी हो गया योग और ये भी हो गया योग, दोनों को घटा दिया तो यानी चौथी संख्या हमारा कितना हो गया 85 हो गया। उम्मीद है आप इसे समझे होंगे, और एक बार इसको प्रैक्टिस करते हैं फिर से। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। हमें बस ध्यान देना है कि दो दो दोनों जो है एक जात हो जाए, एक जैसा हो जाए दोनों। तो हम देखेंगे चार संख्याओं का औसत कितना था, तो चार संख्याओं का औसत था 40, तो कितना हो गया कुल, कुल योग कितना हो गया 160। अब 160 में तीन संख्याओं के योग को घटा देंगे, तीन संख्याओं के योग को घटा दिए, ये हमारा हो गया चौथी संख्या। ये हो गया चौथी संख्या, कितनी हो गई 85। देखिए क्या आपको 10 सेकेंड में नहीं बना, बिल्कुल बना। तो इसे कहते हैं प्रैक्टिस। अब आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए और हो गया, ऐसा नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा तो आपका हाथ बैठ जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं या उसे देखते हैं कितना सेकंड लगता है बनाने में। अब यहाँ देखिए आपको कहा है सचिन ने 40, 86, 120 एवं 36 रन बनाए। यहाँ पर योग दिया है क्या, नहीं। औसत दिया है क्या, नहीं। आगे देखते हैं, गांगुली ने 54, 24, 140 एवं 74 रन बनाए। तो अब आपसे क्या मांगा, दोनों का रन दे दिया है, अभी तो कुछ बोला नहीं है। अब आगे देखते हैं तो किनके द्वारा, यानी यहाँ नाम पूछा जा रहा है, या सचिन के द्वारा, क्या गांगुली के द्वारा। तो किनके द्वारा जो रन बनाए गए हैं, जो रन बनाए गए हैं यानी दोनों के द्वारा, किनके द्वारा, सचिन के द्वारा और गांगुली के द्वारा। इन दोनों का जो औसत आप निकालिए पहले, और औसत निकाल करके देखिए कि औसत में सचिन का ज़्यादा है कि गांगुली का ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम, पहले इनका औसत निकालेंगे और फिर इनका भी औसत निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि सचिन का ज़्यादा है कि गांगुली का ज़्यादा है। तो इसके लिए हम तो फिर वही विधि, फॉर्मूला एक ही है। औसत निकालने का क्या फॉर्मूला है, सबको जोड़िए और उसके जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, 40 प्लस 86 प्लस 120 प्लस 36, और इसको भाग देंगे किससे, संख्या से, राशियों की संख्या 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ पर लिख दिए 4। अब तुलना करेंगे हम, तो तुलना करने के लिए एक बॉक्स बना लीजिए। अब इधर है 54 प्लस 24 प्लस 140 प्लस 74, और इसे हम भी भाग देंगे 1, 2, 3, 4, ये 4 4 हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम कोशिश किए हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना सकें। एक एक करके बार बार सवाल बनाते हैं तो पता चलता है कि समय नहीं बच रहा है। तो इसमें हम यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखेंगे, और कम जगह का तो ज़रूरत पड़ता ही है, तो हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप देखिए इसे, और देखने के आप सवाल को देख लिए, औसत आप उम्मीद है निकाल भी लिए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा समय दिया था आपको। अब जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए अब यहाँ पर देखिए राउंड फिगर नहीं बन रहा है, तो बन रहा है बिल्कुल, ये देखिए 40 और 120, 160 हो गया, 160 और 30 कितना हो गया 190, 190 और 80 कितना हो गया 270, 270 और 6 6 12, 270 और 10 कितने हो गए 280, और 12 का 2 बचा था 282, ये कितना आ गया 282। ये तो आपको जोड़ने बार बार लिख लिख करके जोड़ेंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं आएगा। अपने आप में विश्वास रखिए कि हम, मैं अगर जोड़ता हूँ तो मुंह से जोड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि हर बार कलम चलाने की ज़रूरत पड़े, कैलकुलेटर या मोबाइल की, नहीं। अपने आप में आत्मविश्वास जगाइए, आप कर सकते हैं, आप करने का प्रैक्टिस तो कीजिए,
जब भी आप बाजार जाएं, वहां जाइए, वहां पर कुछ भी हो उसे मुंह से जोड़ने का प्रयास कीजिए। कैसे जोड़ेंगे? हम राउंड कर करके जोड़ेंगे। जो भी अलग ऑड आता है ना, ऑड को साइड कर देते हैं, राउंड में लेकर के जोड़ेंगे। एक बार और दिखाते हैं आपको कैसे राउंड में जोड़ते हैं। तो 50 और 20 70 और 140 210 210 और 70 कितना हो गया? 280 है ना, 280 और 4 284 4 288 288 और 4 292 कितना आया? 292/4। अब हम क्या करेंगे? दोनों का औसत निकालेंगे। देखिए क्या करना होगा बताइए। अब इसे भागा करना होगा। 4 7 28 यानी 4 7 28 बचा कितना? तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ भाग आपको ऐसे मिलेंगे कि आप यहां गलती करेंगे कि दशमलव ले लेंगे। नहीं, अब हमें कुछ ऐसे सवाल भी बीच बीच में आ जाते हैं, यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। आप देखिए क्या 4 7 28 से 280 पहुँच गया, 280 करीब पहुँचे क्या? नहीं, क्योंकि अगला जो है छोटी संख्या है और उसे भाग देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दशमलव लेना पड़ेगा। यदि दशमलव ले लेंगे तो क्या आ जाएगा जानते हैं? 4 5 7.5। तो आप गुना करके देखिए 282 नहीं आएगा। ऐसे कुछ कुछ सवाल हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? एक जीरो लेना होगा। सारे सवाल ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन अभी भी भागा में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको फंसाएंगे। अब हम लेंगे इसको इस तरह, तो हमारा कितना आ गया? 70.5। अब इसको देखते हैं, 4 7 28 बच गया 1, तो 4 3 12 तो इसका औसत आया 70.5 और इसका औसत आया 73। तो आप तुलना कर लीजिए, ये सचिन है और ये गांगुली है। तो सचिन का ज़्यादा औसत है कि गांगुली का ज़्यादा औसत है? तो हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि गांगुली का औसत जो है ज़्यादा है। ये हो गया अगला सवाल। तो इसे मैं अगर बनाऊं, आपको बिना समझाए अगर मैं बनाऊं, तो मुझे इसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा स्लो बनाऊं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में, आप सीधा क्या कीजिए, आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में। यहाँ मैं समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। जब भी औसत निकालना, सीधा जोड़ना शुरू कीजिए सवाल में, जोड़िए 40 86 120 136 सबको जोड़ लिया, उसको 4 से भागा दीजिए सीधा। भागा देकर के आप जितना आया उसको लिख लीजिए, फिर इधर भी जोड़िए 4 से भागा दीजिए। क्योंकि बार बार जब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमको पता है कि जोड़ करके संख्या से भाग देना है, तो क्यों हम बार बार लिखें? बार बार लिखा जाता है सब्जेक्टिव एग्जामों में, उसको दिखाना पड़ता है कि प्रोसेस क्या है, तभी आपको सही नंबर मिलेंगे। लेकिन आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए यदि मैं इसी सवाल पे ज़्यादा समय दे दूंगा तो और सवालों के लिए समय कैसे निकाल पाऊंगा? अगर 36 सेकंड समय दिया गया है तो मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि हर सवाल में 6-6 सेकंड हम बचाएं। तब जब हमारे पास समय बचेगा तो कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जो नहीं बनते हैं, उनको हम घेर करके जो रखते हैं उसको लास्ट में समय मिलेगा। लेकिन अगर हम इसी में 2 मिनट लगा दें तो अगला मेरा कैसे होगा? तो फिर नहीं होगा ना। तो आपको समय चुराने होंगे। अगर आपको समय से देखना तो आप गुरु पिक्चर देख लीजिए अमिताभ बच्चन का, उसमें देखिए कैसे उस सेकेंड में समय चुराते हैं। तो आप भी चुराने का प्रयास कीजिए समय को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 3 संख्याओं का औसत 9 है। आप हमारे 6 नंबर के सवाल को गौर किए होंगे तो उसमें भी इसी तरह की कुछ बात थी। 3 संख्याओं का औसत है 9 और पहली 2 संख्याओं का औसत है 12, लेकिन यहां क्या मांगा है? औसत मांगा है क्या? देखिए औसत दिया है, यहां भी औसत दिया है। तो आपको लग रहा होगा ये तो मैच कर गया औसत औसत, जैसा कि मैंने बताया था कि औसत औसत तो मैच कर गया, लेकिन मांगा क्या है? औसत मांगा है क्या? नहीं मांगा है। तो संख्या मांगा है,
तो हमको संख्या में उसको कन्वर्ट करना होगा। जब तक हम अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो यह संख्या नहीं निकलेगा, आंसर हमारा औसत में आ जाएगा। अब क्यों औसत में आ जाएगा उसको देखिए, ये क्या है औसत में, इसके औसत में अगर हम इसके औसत को घटा दें तो हमारा आंसर भी तो औसत में ही आया ना, नहीं आया बताइए, आया ना। तो हमको क्या करना है, संख्या मांगा जा रहा है इंडिविजुअल, सिर्फ वह संख्या, तो सबसे पहले हमको तीन संख्याओं को औसत को बदल करके योग में करना होगा। तो चलिए योग में करते हैं। तो क्या अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि 9 गुना कर देंगे हम, 3 औसत गुना संख्या कितना हो गया 27, और देखिए यह 3 का था इसलिए 3 से गुना किए, यहाँ कितना से कहा है 2 से, तो 2 गुना इसका औसत कितना है 12, तो चलिए 12 दूना 24। अब इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो घटाइए कितना आया, यानी वह तीसरी संख्या क्या हो गई, तीसरी संख्या 3 हो गई। कितना समय लगा बताइए, यदि आप सवाल को समझ लेते हैं ना, हमारे बुजुर्ग और हमारे बुद्धिजीवी ने बहुत अच्छा बात कहा है, उन्होंने कहा है कि सारे सवालों का जवाब उसी सवाल में होता है, यदि आप सवाल को समझ लेंगे तो जवाब अपने आप आ जाएगा। उम्मीद है यह आप समझ रहे होंगे। अगला देखते हैं, अगला है कि 6 संख्याओं का औसत है 8, फिर देखिए औसत आया है, एक संख्या को और जोड़ दिए तो यहाँ कहानी बदल गई है, यहाँ कह रहा है औसत की बात, इसको साफ कर लेते हैं बढ़िया से, यहाँ कह रहा है औसत और यहाँ क्या कह रहा है संख्या, तो क्या औसत और संख्या कभी जुड़ सकता है, आप देखिए कह रहा है ना औसत और संख्या, तो हमको औसत को क्या करना होगा संख्या में बदलना होगा। तो कितनी संख्या है 6 संख्या है, औसत कितना है 8, तो 8 गुना क्या हो गया 6, कितना आया 48, 8 6 48। और याद रखिए पहाड़े तो याद ही होने चाहिए, वो पहाड़ा याद अगर नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है, इसलिए पहाड़ा कम से कम 25 तक पहाड़ा आप याद करें, 20 तक तो करता ही है, आप 25 तक कर लें बहुत फायदा होगा। अगला देखते हैं, 6 संख्याओं का औसत है 8, तो 8 गुना 6 कर दिए, यहाँ तक हो गया। अब इनमें क्या कर रहे हैं, हम एक संख्या को और जोड़ दे रहे हैं, तो संख्या कितनी हो गई 7 हो गई, नहीं हुआ, पहले संख्या कितना था 6, हम कितना जोड़ दिए उसमें 1, तो ये कितना हो गया संख्या हो गया 7। अब बोलिएगा कि यहाँ क्यों नहीं, तो आप देखिए औसत गुना संख्या बराबर योग, औसत गुना संख्या बराबर योग, तो 6 संख्या थी उसमें से 1 जोड़ दिए, अब संख्या कितनी हो गई 7। अब 7 संख्याओं के जोड़ने से औसत कितना हो गया, औसत हो गया 10। अब जैसा सवाल आपको कहे आप वैसा करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनेगा औसत, एकदम अच्छा चैप्टर है और इससे बहुत सारे सवाल रहते हैं। आप देखिए है ना औसत 10 हो गया, क्यों हुआ 10, क्योंकि एक संख्या जोड़ करके 6 को बना दिए 7, जिसकी वजह से औसत हो गया 10, तो हो गया ये 70। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर है कि अभी तक जितना हम लोगों ने बनाया उसमें ऊपर बड़ा था नीचे छोटा था, तो इसका भी एक वजह है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप पिछले सवालों को देखे होंगे, जैसे 4 सवाल वाले में उसमें पहले कहा था 4 और इसमें यहाँ कहा था 3, तो 4 बड़ा है तो बड़ा ही आया और 3 नीचे छोटा है तो छोटा आया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस में आंसर नहीं लेना है, लेकिन काम करना है माइनस का ही, हमेशा माइनस होगा। तो 70 में यानी 10 में से 8 गया कितना बचा 2, और 6 में से 4 गया 2, तो हमारा ये जो सातवां संख्या था, सातवीं संख्या जो था वो है 22। ठीक है, अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है 10 देसी भैंसों का औसत मूल्य 950 है, देख लीजिए एक का नहीं है ये 10 का है,
10 देसी भैंसों का औसत मूल्य कितना है? 950। तो ये क्या हो गया, 950 गुना 10 कितना आया? अब देखिए इसको गुना करने कितना अच्छा, कोई भी संख्या हो यदि 1 से गुना हो ना तो उतना ही होता है। तो 95 उतार लिए, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, कितना जीरो हो गया, 2 जीरो, इतने रुपए हो गए। अब है और 5 मुर्रा भैंसों का, 10 तो पहले था, अब और आ गया 5, है ना। तो 5 इसका औसत कितना है, 821। तो गुना करेंगे, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, बच गया 1, 5 एट जा 40 और 1 कितना हो गया, 41। ये आया ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमेशा से माइनस करना है, लेकिन वो सवाल अलग थे। आप देखिए क्या कह रहा है, जरा सवाल को देखिए, 10 देसी भैंस का औसत मूल्य 950 रुपये और 5 मुर्रा भैंसों का, और ले रहा है वो। तो जब भी आपके पास मान लीजिए 10 चॉकलेट हैं या 10 पेन है, आप और 5 लेंगे तो आपका बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप, जाहिर सी बात है, सभी बच्चे कहेंगे और आप भी कहेंगे कि नहीं, ये तो बढ़ना ही चाहिए। तो बढ़ने के लिए जोड़ होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देख लीजिए क्या क्या जुड़ेगा। अब इसको देखिए, तो भैंस भी तो बढ़ गया ना, कितना भैंस हो गया, 15 भैंस भैंसे, और इधर हो गया 506 और ये 13। यानी इन सभी भैंसों का कीमत पड़ गया उस व्यक्ति को 13,605 रुपये, यानी 15 भैंसों का कीमत। अब फिर कहते हैं कि इनका औसत तो देखिए 10 है और इनका औसत 5 है, तो नहीं, हमको ऐसा बताइए जो सभी का औसत उसमें आ जाए। तो सभी का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और सभी संख्या से भाग देते हैं। तो क्या देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है कि नहीं, ऑलरेडी हम जोड़ चुके हैं और संख्या भी हमें पता है, तो हम औसत निकाल लेंगे। तो औसत हमारा हो जाएगा कुल योग, यानी जितने भी राशियां हैं उनका योग बटे उनकी संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसको भागा देंगे। तो भागा देने के लिए दो डिवीज़न है, एक शॉर्ट डिवीज़न है और एक लॉन्ग डिवीज़न है। लॉन्ग डिवीज़न का मतलब जैसे हम इस तरह करके भागा देते हैं, इसको लॉन्ग डिवीज़न कहते हैं, और यदि हम यहीं पर कटा देते हैं तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट डिवीज़न। चलिए देखते हैं, इधर भी 5, इधर भी 5, इसका मतलब ये 5 से तो कटेगा। 5 3 जा 5 2 जा 10, बच गया कितना, 3, तो हो गया 36। तो 5 7 जा 35, बच गया कितना, 1, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब हम देखेंगे कि क्या यह 3 से कटेगा। तो 3 का नियम क्या बताया था हमने, अगर आप वह चैनल नहीं देखे हैं विभाजिता का नियम वाला चैनल, नहीं वीडियो, चैनल में तो आप हैं ही, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, विभाजिता का नियम के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप जा सकते हैं हमारे वीडियो लिस्ट में देखिए। अब इसको देखते हैं हम, क्या 3 से कटेगा, इसका नियम है कि आप जोड़ करके देखिए संख्या के अंकों को और 3 का टेबल में आ जाए तो वो 3 से कटेगा। 2 और 7 9 और 9 2 11, 11 और 1 12, 12 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कटता है। 3 9 जा 27, एक डिजिट है यहाँ 2 और यहाँ है 3, तो जब छोटा होता है तो हम 0 लेते हैं, है ना, और दशमलव भी लेते हैं, दशमलव तब लेते हैं जब कोई डिजिट और ना बचा हो। तो यहाँ पर 0 लिए, तो अब हम 2 अंक लेंगे, कितना हो गया 21, 37 जा 21, यानी सारी भैंसों को उस भैंसों का उसको लगभग 907 रुपये के औसत से पड़ा। किसी का 950 है देखिए, किसी का 821 है, लेकिन एवरेज क्या निकला हमारा, 907 रुपये एक औसत निकला। तो ये कुछ थे 5 सवाल, मैं देखता हूँ आप जब तक उतारते हैं कुछ और सवाल बताने का प्रयास करता हूँ। माफ़ कीजिएगा, समय के अभाव के कारण अगला 5 सवाल का वीडियो मैं कल दूंगा आपको। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए और उनके साथ शेयर कीजिए, हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो बेझक कमेंट कीजिए, आपके
कमेंट से हमारा मोटिवेशन होता है। धन्यवाद आपका जीवन सर।